कुछ लड़कियों की हत्या के विरोध में अपने बाल कटवा लिए हैं। उर्वशी रौतेला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए इस बारे में बताया। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उन्हें जमीन पर उकड़ू होकर बैठे देखा जा सकता है। उनके पास ही जमीन पर बैठा एक शख्स उनके बाल काट रहा है। उर्वशी ने अपनी फोटो कैप्शन में पूरा मामला विस्तार से बताया है। उर्वशी का ईरान की नारी क्रांति को सपोर्ट। एक्ट्रेस ने लिखा, ईरानी महिलाओं और उन लड़कियों के सपोर्ट में अपने बाल कटवा रही हूं जिनकी ईरानी मोरल पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद माशा अमीनी के निधन के किए जा रहे प्रोटेस्ट में हत्या कर दी गई। और उत्तराखंड की 19 वर्षीय लड़की अंकिता भंडारी के लिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, यह महिलाओं के आंदोलन का एक वैश्विक प्रतीक है। लड़कियां क्यों कटवा रही हैं बाल? उर्वशी रौतेला ने लिखा, बालों को महिलाओं की खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। सार्वजनिक रूप से बाल काटकर महिलाएं दिखा रही हैं कि उन्हें समाज के सौंदर्य मानकों की परवाह नहीं है और वे किसी भी चीज या किसी को भी यह तय नहीं करने देंगी कि वो कैसे कपड़े पहने या कैसा व्यवहार करें। जब महिलाएं एक साथ आती है और एक महिला के मुद्दे को पूरी नारी जाति का मुद्दा मानती है, अब फेमिनिज्म में एक नया जोश दिखेगा। कॉमेंट बॉक्स में लोग कर रहे ट्रोल। उर्वशी रौतेला के इस फैसले का जहां कई लोगों ने समर्थन किया है और कमेंट सेक्शन में तारीफ की है, वहीं दूसरी तरफ तमाम लोगों ने एक्ट्रेस को ऋषभ पंत का नाम लेकर ट्रोल भी किया है। बता दें कि उर्वशी पिछले काफी वक्त से क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। हालांकि दोनों की तरफ से अभी इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।